नमस्ते और ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सीख द सूत्र ट्रुथ लाइज विदन में। और आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे ईश्वरी वरदान की। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा, पीछे हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं और चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, चिड़ियाँ चहक रही हैं। इतनी प्योरिटी, इतनी साफ़ हवा, इतना खुशनुमा माहौल यहाँ पर, जहाँ पर लोग आकर एक्सरसाइज करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले योगासन एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करी है सब लोग मिल करके, और अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आज परमपिता परमात्मा हमें सुंदर जैसे फूल लगे पीछे, सुंदर फूल जैसा बनाना चाहते हैं। और हम देवताओं के चरणों में फूल डालते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम वो फूल बन जाओ, फूल मत डालो सिर्फ, लेकिन फूल बन जाओ। मतलब कि उस सुगंधित संकल्प, खुशबूदार संकल्प वाले, सुंदर देखने वाली आत्मा बन जाओ मेरी नज़र में, परमात्मा की नज़र में। और हमें किसी की नज़र में प्रूव नहीं करना है कि हम बहुत सुगंधित हैं, हमें बस परमात्मा की नज़र हमारे ऊपर पड़ी रहे और परमात्मा हमें जाने पहचाने कि हम सुंदर हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि आज हम अपने अंदर दिव्यता को फिर से जागृत करें। परमात्मा ने हमें जिस नज़र से बनाया था, जिस नज़रिए से बनाया था, जो संकल्प हमारे अंदर डाले थे परमात्मा ने, वो संकल्प हम फिर से जागृत करें। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या है, पिता कहते क्या है। बाबा कहते हैं अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर। परमात्मा ने जब हमें क्रिएट किया था तो हमारे अंदर डिविनिटी या देवताई संस्कार डाले थे, देवताई सोच बोल और देवताई कर्म डाले थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने औरों को देखा कि और क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं और काम निकल जाता है, वो लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्यों ना इन चीज़ों को इस्तेमाल करें शॉर्टकट्स को और आगे बढ़े, लेकिन उनको अगर इस्तेमाल किया हमने और जब भी किया हमने, तो हमने अपने आप को खो दिया। अपने आप को खोना मतलब कि हमारा जो वो प्योर एसेंस था उससे हम दूर होते गए, हमने दुविधा अपना ली, दूसरी विधि अपना ली हमने, दुविधा। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम अपने आप को खोते गए, तुम अपनी पहचान को खोते गए, इसलिए तुम अपने आप को अकेला महसूस करते गए। अब अपने आप से जुड़ो, अपने रियल पवित्र सेल्फ से जुड़ो, डिवाइन सेल्फ से जुड़ो, तब तुम जाकर के शांत हो जाओगे अपने आप से। नहीं तो तुम जितना दूर जाओगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। जितना आप रबर बैंड को खींचते हैं उतना उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है। रबर बैंड को आप लूज़ कर देते हो, रबर बैंड जब निकट आ जाता है तो स्ट्रेस कम हो जाता है। तो हम अपने आप से दूर अगर जाएंगे अपने रियल सेल्फ से, उतना हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले, कि वो अनुभव करो जब तुम स्ट्रेस में नहीं होते हो, खिंचे हुए नहीं होते हो, अपने ओरिजिनल सेल्फ में जब होते हो तुम, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है, डिविनिटी कैसे महसूस होती है। वाले व्यर्थ से इनोसेंट, व्यर्थ से व्यर्थ थॉट्स, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, उसने क्यों किया ऐसे मेरे साथ, उसने ऐसे क्यों बोल दिया मेरे को, मैंने क्या उसका बिगाड़ा था, ये हो गए सब व्यर्थ संकल्प। तो व्यर्थ से इनोसेंट हो जाओ। और फिर प्रभु कहते हैं अविद्या स्वरूप भवा, उसका आपको विद्या ही ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे नेगेटिविटी की आलस्य, आपको विद्या ही ना हो कि ये होता क्या है, उस लेवल तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, टाइम लगता है, लेकिन हाँ एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच सकते हैं। परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे, परमात्मा ने हमें स्वर्ग में भेजा था, अभी हम कलयुग में हैं। तो परमात्मा को हम ये नहीं कह सकते भगवान आपने मुझे कलयुग में क्यों भेजा, नर्क में क्यों भेजा, ये परमात्मा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, तुम जन्म लेते लेते लास्ट में कलयुग में पहुंच गए, टाइम बीत चुका है, समय बहुत बीत चुका है। अब रिमाइंड करो अपने आप को कि जब परमात्मा ने तुम्हें नीचे भेजा था तो तुम कितने प्योर थे, कितने डिवाइन थे, उसको याद करो। तो वो जब राजधानी थी तब उसको कहते थे सतयुग, मतलब सत्य का युग, ट्रू एज और द गोल्डन एज। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट का महान, सेंट व महान आत्मा कहते हैं। जो देवता होते हैं वो सेंट होते हैं, उनके अंदर कभी कोई छल कपट नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, वो हमेशा हर किसी को एक समदृष्टि से देखते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि हमारे अंदर वो समदृष्टि आ जाए, हम भी वैसे इनोसेंट बन जाएं, ताकि परमात्मा हमारा देख रेख कर पाए, हमें प्रोटेक्ट कर पाए इस दुनिया में। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। हम जो ओरिजिनल जिस रूप में हमें परमात्मा ने नीचे भेजा था उससे हम अगर टच में आए तो हमारा जो टेंशन बना हुआ है, हम जितना दूर हो चुके हैं उस रियल सेल से, जितना क्लोज आएंगे उतना हमारे अंदर स्ट्रेस टेंशन कम होगा। परमात्मा चाहते हैं कि हम उस ओरिजिनल स्टेट में आएं, उसको रियलाइज़ करें, उसको महसूस करना शुरू करें, उसके लिए व्यर्थ से इनोसेंट हो जाएं। किसी ने कुछ गाली करी, ये क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को ये मेरे को समझ नहीं आती, ये चीज़ टाइप की बातें, कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, मेरे को ये चीज़ से कुछ रिलेशन ही नहीं है, ऊंची आवाज़ मेरे को समझ नहीं आती है। हाँ ऐसे हो जाएं, बिल्कुल इनोसेंट हो जाएं। कोई आपसे कोई लोभ की बात कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, पता ये क्या कहना चाह रहा है, मेरे को तो ये मार्ग अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरे को सही जगह पर चल रहा है,
आप इतने इनोसेंट बन जाएं। परमात्मा तो कहते हैं व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय श्वास बोल, समय वेस्ट नहीं करना, श्वास वेस्ट नहीं करना, कुछ गारंटी नहीं कल की, बोल वेस्ट नहीं करने हैं, कर्म और सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट बनो। परमात्मा कहते हैं जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं एक तो अपने अंदर इम्प्योरिटी देखना, एक औरों के अंदर इम्प्योरिटी देखना। अगर आप औरों के अंदर भी इम्प्योरिटी देखते रहोगे तो आपके अंदर वो अविद्या नहीं होगी, आप बार बार उससे जूझते रहोगे, इम्प्योर थॉट से आप जूझते रहोगे, लड़ते रहोगे। आप औरों के अंदर भी अविद्या मतलब कि उनके अंदर भी आप वेस्ट ना देखो, माया ना देखो, विकार ना देखो और अपने अंदर भी ना देखो, आप इनोसेंट बन जाओ तो आप परमात्मा की छत्र छाया में आ जाओगे। तो पुरुषार्थ कर रहे हो ये ना सोचे, परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन पुरुष बन, पुरुष मतलब मैं आत्मा, पुरुष बन इस रथ का मालिक हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को कंट्रोल करती हूँ और इस रथ द्वारा कार्य करा लो। एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। क्या एक बार हमने गलती कर दी फिर हम क्या हो गए, इनोसेंट हो गए, फिर हमने सेकंड टाइम फिर से गलती कर दी फिर से हम इनोसेंट बन गए। परमात्मा कहते हैं बार बार मत करो नहीं तो उसके संस्कार बन जाएंगे, हमें घाटा हो जाएगा। घाटा क्या हो जाएगा, हमें टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा उस चीज़ को बार बार झगड़ा करने में, क्रोध को निकालने में, अहंकार को निकालने में, तब टाइम ना वेस्ट करो। परमात्मा कहते हैं इसको कैसे करें, ये विधि क्या है परमात्मा जो समझा रहे हैं, उसके लिए आपको ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के इस विधि को सीखना पड़ेगा और एक एक छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे, जैसे एक बच्चा कदम छोटे छोटे लेता आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ में आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।